नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। विधानसभा चुनाव में हमेशा यह होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का इंतजार करती है कि कौन पहले अपने प्रत्याशी घोषित करे। इस बार प्रत्याशी घोषित करने में आगा पीछा हो रहा है, चूहे बिल्ली की दौड़ हो रही है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा ने काफी हद तक अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उन पर अब आम आदमी पार्टी, बसपा और आरएलपी भी नजर गड़ाकर बैठी है। हालांकि जिन सीटों पर नाम घोषित हो चुके हैं उनमें से भी जो रूठे हुए हैं, जो नाराज हैं, वे इन तीनों पार्टियों में जा सकते हैं। और बचे हुए जो घोषित होंगे उसमें भी कई लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मेरे पास तीन ऑप्शन है। पूर्व में इससे पहले केवल बसपा एक बड़ा ऑप्शन हुआ करती थी और बसपा से जीत कर लोग आए भी थे, लेकिन वो अशोक गहलोत के साथ चले गए। बसपा उस वक्त भारी हो गई थी, हैवी, मजबूत, महंगी हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो झटके लगे इससे बसपा वापस धरातल पर आ गई और राजस्थान में अभी उनका नाम लेवा नहीं बचा। ऐसे में आम आदमी, बसपा और आरएलपी, ये तीनों उन असंतुष्टों को, या पहली बार भी टिकट मांग रहे हैं, मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो उनको टिकट देने को तैयार है। यानी कि अब आपके पास विधायक बनने के ज्यादा मौके हैं, तो विधायक जी हो जाइए तैयार, बैठिए घोड़े पर, लगाइए एड और निकल जाइए इन तीनों पार्टियों के पास। अब बड़े नेता, बहुत बड़ी जो तोपे हैं, उनको नहीं मिला तो वो निर्दलीय ही खड़े होंगे, लेकिन बीच का मामला जो है बहुत बड़ी तोप नहीं है, बिल्कुल छोटे भी नहीं है, लेकिन कई सालों से कोई प्रवक्ता है, कोई जिला उपाध्यक्ष रहा है या कोई जिलाध्यक्ष रहा है, पूर्व हो चुका है, लेकिन टिकट के दावेदारी में खुद को बहुत मजबूत मानते थे। वो अलग बात है कि पार्टी उनको कहीं मजबूत नहीं मानती, पार्टी की नजर में वो कहीं नहीं है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि मैं 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं, 15 साल से सेवा कर रहा हूं। अरे प्रभु को, जो 30 साल से सेवा कर रहे हैं वो भी चुपचाप बैठे हैं। अगर टिकट नहीं मिला तो वो जिनको टिकट मिला उनके साथ दौड़ रहे हैं, उनके साथ भाग रहे हैं। और भाग्य की बात समझ, अगर हमारे भाग्य में टिकट होता तो मिल जाता, नहीं हुआ तो नहीं सही, अगली बार सही, और ना मिला तो कोई बात नहीं, हम पार्टी के साथ हैं, क्योंकि पार्टी के साथ रहकर आप एक कद्दावर नाम बनते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। तो इस बार ये जो बचे हुए टिकट है, खास तौर से मैं जोधपुर की बात करूंगा, तो बची हुई स्थिति पर हमारे यहाँ के नेता नजर गड़ा कर बैठे हैं कि मुझे नहीं मिला तो मैं निपटा दूंगा पार्टी को, मुझे नहीं मिला तो मैं आम आदमी में चला जाऊंगा, बसपा में चला जाऊंगा या आरएलपी में चला जाऊंगा। और इन पार्टी के जो दिग्गज हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि किससे बात कर ली जाए। उनको पता है कि शायद इसको नहीं मिलेगा, या अंदाजा लगाते हैं कि इसको मिलेगा तो इन चार को नहीं मिलेगा, इन चारों पांचों में सबसे मजबूत कौन है जो हमें जिता के ला सकता है या इनको हरा सकता है। इस वक्त कई लोग संपर्क कर चुके हैं, कई लोग अंदरूनी तौर पर संपर्क कर रहे हैं, कुछ लोग केवल इंतजार कर रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिला, ये अगर मगर का मामला बहुत खतरनाक है जो एक या दो दिन में साफ हो जाएगा, अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी को ठोक डालेंगे, फिर हम खुद हार जाएं, जमानत जब्त हो जाए उसकी परवाह नहीं, लेकिन पार्टी के प्रत्याशी को तो निपटा ही देंगे, जिससे कह सके कि देखिए हमको टिकट नहीं दिया इसलिए पार्टी निपट गई, और हो सकता है ज्यादा अच्छे वोट लाए तो अगली बार पार्टी हमें मजबूत प्रत्याशी मानकर टिकट दे दे। ऐसा कई बार हुआ भी है, ये गलत प्रथा थी, गलत प्रथा शुरू हुई है, लेकिन अब शुरू हो चुकी है, पता नहीं कब रुकेगी, पर तब तक ऐसे तमाम बागी खड़े होते रहेंगे और कम वोट लाकर भी अपने पार्टी के नेताओं को हराकर अगली बार खुद को मजबूती से पेश करेंगे या पार्टी खुद उन्हें बुला लेगी। बाय द वे, तुक्का लगा, जीत गए तो पार्टी निर्दलियों को बुलाती है और अपने साथ शामिल करती है, कई बार मंत्री भी बनाती है, और दूसरी पार्टी से जीत गए तो भी कम से कम विधायक जी तो कहलाएंगे ही, विधायक जी का बजट तो मिलेगा ही, उससे हम अपने पार्टी की सेवा करेंगे, लोगों के काम करेंगे। चलिए देखते हैं अब इन तीन पार्टियों में कौन कौन भागते हैं इनमें। अच्छा, अब बड़ी समस्या क्या है कि नेता तो भाग छूटते हैं, उनका कोई खास वो नहीं होता कि पार्टी से लगा, वो पार्टी मेरी माँ है, विचारधारा है, वो तमाम बातें कुएं पे ही हो जाती है, लेकिन कार्यकर्ता फंस जाते हैं। वो जब पार्टी में सारे लोग साथ बैठते हैं तो वो इन भाई साहब के भी साथ बैठते हैं, इनके छोटे भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, साथी होते हैं, साथ मिलकर लिस्ट बनाते हैं, फोटोकॉपी निकालते हैं, प्रत्याशियों के साथ दौड़ते हैं, जय हो, माला पहनाना, सब कुछ, सब, रात को नाश्ता मंगाना, लेट तक जागना, सुबह जल्दी भाग कर आना, दूध मंदिर जाना, सब कुछ, 10-20 साल से साथ रहते हैं। अब ऐसे में एक भाई साहब को टिकट मिला, दूसरे भाई साहब या तो निर्दलीय खड़े हैं या दूसरे भाई साहब किसी अन्य पार्टी में चले गए।
रिश्ते इतने मजबूत है कि उनकी पत्नी उनके हाथ में धागा बांधती है, कोई उनको भाई साहब कहकर गले लगाता है, साथ खाना खाते हैं, घर जाते हैं, 20-30 साल से साथ हैं। अब वो कहाँ जाए, जिनको टिकट मिला उन भाई साहब के साथ रहे, या जो निर्दलीय खड़े हो गए उन भाई साहब के साथ, या जो निर्दलीय नहीं खड़े हुए, टिकट नहीं मिला, वो घर पर भी बैठे हैं, अब कहाँ जाए? या तो उनके घर जाकर बैठ जाए तो पार्टी निपटा देगी, पार्टी के साथ नहीं गए तो पार्टी नाराज, यहां नहीं गए तो भाई साहब नाराज। अब भाई साहब कौन से वाले भाई साहब को खुश करना है, ये बड़ी समस्या कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ता भी वो जो बड़े स्तर पर है, छोटे कार्यकर्ता वार्ड में छोटी मोटी पोस्ट है वो तो पार्टी के साथ निकल लेते हैं, लेकिन जो बड़ी स्थिति में थोड़ा मजबूत है लेकिन दोनों तरफ अच्छे रिश्ते हैं, वो दिन में वो जिनको टिकट मिला उन भाई साहब के साथ जाते हैं, और रात में जिनको नहीं मिला, जो भागी है, परेशान है, उनके घर जाके चाय कॉफी पीते हैं। कुछ लोग वाकई खुल के सामने आते हैं कि अगर टिकट नहीं मिला तो हम भाई साहब के साथ नहीं है, हम पार्टी के साथ नहीं है, हम उनके साथ हैं जिनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि ये पार्टी के मजबूत नेता है, इनका टिकट बनता था तो हम नाराज हैं। तो बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता तो निकल लेते हैं, लेकिन बीच की जो स्थिति है वो थोड़ी विकट हो जाती है। खैर, अब देखते हैं कल या परसों में जो भी टिकट का बम्प फूटता है उसके बाद कौन किधर भागता है। रोचक मुकाबला होगा और हमको भी खबर दिखाने, समझाने, बोलने का मजा आएगा। देखते हैं कौन क्या करता है। तब तक के लिए इजाजत दें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।